नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों मौसम बदल रहा है, गर्मियां शुरू हो गई है। अब तो पंखे बिना कमरे में रहा नहीं जाता, इतनी तेज़ गर्मी हो गई है। तो जब मौसम बदलने पर हमें गर्मी लगती है तो हम कूलर पंखे लगा लेते हैं। वैसे ही पौधों को भी जो है मौसम के अनुसार देखभाल की जरूरत होती है, नहीं तो वो खराब होने लगते हैं। आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर है कि इस समय हमें गार्डन में क्या क्या काम करने चाहिए और इन काम को अभी कर लेना चाहिए ताकि बाद में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर एक, चेंज लोकेशन। देखिए सबसे ज़रूरी काम गर्मियाँ जब आती है तो ये होता है कि कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि तेज़ हीट होती है तो प्लांट क्या है उसकी पत्तियाँ जो है वो ख़राब होने लगती है। तो इस तरह के प्लांट्स अगर आपके पास है तो उनकी आप लोकेशन चेंज कर दें, क्योंकि जब आपने देखा होगा सर्दियों में जो सूरज है वो जिस साइड से जाता है वो भी अपनी जगह बदल लेता है, जिसकी वजह से क्या है जो जिस जगह पे आप सोचते थे कि पहले छाया आती थी वहाँ पे अब धूप लगी होगी। तो आपको भी अपने पौधों को ऐसी जगह पे रखना होगा जहाँ पे सेमी शेड है, उसको हल्की धूप भी मिलती रहे और हल्की छाया भी मिलती रहे। तो ऐसी जगह पे आप रख सकते हैं जब तेज़ हीट वाली गर्मी स्टार्ट हो तब, अदरवाइज तेज़ हीट से पत्ते ख़राब हो सकते हैं या हो सकते हैं प्लांट ख़राब हो जाए। अगर आपके पास ग्रीन नेट है तो ग्रीन नेट के नीचे रख लीजिए पौधे, क्योंकि गर्मियाँ जब तेज़ हीट वाली गर्मी स्टार्ट होती है तो उसमें पौधों को बचाना बहुत मुश्किल होता है। नंबर दो, वाटरिंग। गर्मियों में पानी का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सर्दियों में पौधों को कम पानी देना होता है और हम ये सोचते हैं गर्मी आ जाती है लेकिन हम जो हमारी दिनचर्या है वो वैसे ही रखते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती है पौधों को जरूरत होती है ज़्यादा पानी की। तो जब तेज़ गर्मियाँ स्टार्ट हो जाए तो पौधों को रोज़ाना पानी देना होता है। कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जब तेज़ हीट होती है तो उसको दिन में दो बार भी पानी देना पड़ता है। तेज़ हीट वाली की जब गर्मियाँ शुरू होती है उस टाइम पे क्या है अंडर वाटरिंग की वजह से बहुत से पौधे ख़राब हो जाते हैं। गर्मियों में पौधों को पानी देने के लिए मैंने गरुड़ पाइप ली थी, आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाई भी थी। तो ये पाइप जो है मैंने यहाँ पे नल से जो है यहाँ पे फिट करके रख दी है, यानी कि मुझे बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, मैं इसको यहीं पर रखा हुआ है। इसकी पाइप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बाहर पड़े रहते लेकिन फिर भी इसमें कोई क्रैक वगैरह कुछ नहीं है। और मैं क्या है यहीं से नल खोलता हूँ और सीधा सभी पौधों में पानी से दे देता हूँ। तो मेरे लिए इस बार जो है टेंशन फ्री काम हो गया, यानी कि मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ नल खोलना है, सारे पौधों में पानी दे देना है। अगर आप भी ये पाइप लेना चाहते हैं अपने गार्डन के लिए तो इसका लिंक भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपके पास पौधे कम है, यानी आपके पास इतने पौधे नहीं है कि आपको पाइप की जरूरत पड़े, तो आप एक वाटरिंग कैन भी ले सकते हैं। वाटरिंग कैन के अंदर पानी डाल के, जैसे कि 5 लीटर पानी आता है तो आप उसके अंदर पानी डालिए और उससे भी आप वाटरिंग कर सकते हैं। मैंने भी वाटरिंग कैन जो है अमेजोन से लिया था, तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नंबर तीन, फर्टिलाइज़र। अभी गर्मियों की शुरुआत है, मैंने पहले आपको बताया था कि जनवरी के एंड से लेकर फरवरी तक आपको फर्टिलाइज़र दे देना चाहिए पौधों को, क्योंकि उस टाइम में पौधों की ग्रोथ होती है। लेकिन अभी भी क्या है पौधों में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मार्च अप्रैल में उनमें फ्रूट बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनको क्या है उस टाइम पर भी जो है न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो आपको क्या है इस टाइम पर भी उनको न्यूट्रिएंट्स देना होता है। आप चाहें तो इस टाइम पर जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, जैसे कि आप जो बनाना पील फर्टिलाइजर है वो दे सकते हैं जिनको पोटाश ज़्यादा पसंद है, जैसे कि हिबिस्कस को। और आप जो है कंपोस्ट टी बना सकते हैं, कंपोस्ट टी के लिए आपको कंपोस्ट लेना होगा, मैंने इस पर वीडियो बनाए हुआ है, पानी के अंदर डाल के रखना होता है, बाद में उसको छान कर उसको आप कंपोस्ट टी की तरह यूज़ कर सकते हैं। तीसरा फर्टिलाइज़र जो आप लिक्विड बना सकते हैं वो है सरसों खली का, जो क्योंकि काफ़ी लोकप्रिय है, नर्सरी वाले भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसको कैसे बनाते हैं इस टॉपिक पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। इसमें आपको सरसों की खल लेनी होती है और उसको पानी के अंदर भिगोना होता है, पानी में भिगने के बाद उस पानी को निकाल ले और उसमें और पानी ऐड करके फिर आप उसको दे सकते हैं। और सरसों खल आपके पास कोई मील है तो वहाँ पे आप पता कर सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको सरसों की खल नहीं मिलती है तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से भी ले सकते हैं, वहाँ पे आपको जो खल है सरसों की वो मिल जाएगी। एक टाइम ऐसा आता है जब बहुत तेज़ हीट टेम्परेचर जो है 45 डिग्री के आसपास हो जाता है, उससे भी ऊपर चला जाता है, तो उस टाइम पर आप कोशिश करें कि फर्टिलाइज़र को अवॉइड करें, अपने पौधों में ना दें। तो एक दो महीने का टाइम ऐसा आता है तो उस टाइम पर आप फर्टिलाइज़र को अवॉइड करें और उसके बाद फिर से दे सकते हैं। नंबर चार, कंट्रोल एंट्स। सर्दियों में चींटियाँ क्या करती है अपने बिल में चली जाती है, क्योंकि बाहर अगर वो रहती है तो सर्दी से मर जाती है, तो वो क्या है पूरी सर्दी जो है अपने बिल के अंदर रहती है। लेकिन जैसे गर्मियाँ शुरू होती है वो बाहर आने लगती है, और जब बाहर आती है तो उनको जब गर्मी लगती है तो वो गर्मी से बचने के लिए क्या करती है, हमारे गमलों की जो ठंडी ठंडी मिट्टी होती है वो उसमें अपने बिल बना लेती है, क्योंकि उसमें उसको गर्मी भी नहीं लगती है, ठंडी ठंडी मिट्टी होती है, तो इसलिए वो वहाँ पे बिल बनाती है। क्योंकि वो बिल बनाती है तो वो क्या है बिल बनाने के लिए सारी मिट्टी जो है पॉट की बाहर निकालने लगती है, तो जिससे कि हमारे प्लांट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको क्या आप शुरू में ही जब आपके
पॉट में जब चींटियां लगे तो शुरू में आप उस पर कंट्रोल करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके लिए आप जो है हल्दी पाउडर यूज कर सकते हैं, यानी कि पॉट के चारों तरफ जो है हल्दी पाउडर डाल सकते हैं। एक बार मैंने एक चीज बताई थी आपको, लक्ष्मण रेखा करके एक प्रोडक्ट आता है, एक चौक होता है, उसको चारों तरफ जो है आपके पॉट के चारों तरफ इस तरह से चौक से आप लाइन बना दीजिए, तो क्या चींटियां उसके अंदर नहीं जा पाएगी। वो भी काफी अच्छा होता है, वो आप यूज कर सकते हैं। और इसके लिए एक प्रोडक्ट और आता है जो मैंने ऑनलाइन देखा था और उसके रिव्यूज काफी अच्छे थे, यानी कि 2000 के लगभग उस पे रिव्यूज थे और ऑलमोस्ट 5 स्टार उसको मिले हुए थे रेटिंग के। तो वो भी आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। नंबर 5, एफिड। इन दिनों सबसे ज्यादा प्रकोप जो है वो एफिड का होता है पौधों पर। ये फूलों के पौधे पर भी आ जाते हैं, जैसे कि वेजिटेबल पत्ता गोभी वगैरह है उन पर भी आ जाते हैं। फ्रूट के प्लांट की बात करें तो मेरा जो आड़ू था उस पर आपने देखा होगा कितने एफिड लग गए थे, और वो क्या करते हैं पत्तियों का रस चूसना शुरू कर देते हैं और पत्तियों का रस चूस चूस के सारी पत्तियों खराब कर देते हैं, यहाँ तक कि प्लांट को भी खराब कर देते हैं, प्लांट भी सूखने लगता है। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, जब आपके प्लांट पर एफिड आपको स्टार्टिंग में दिखे उसी टाइम पे आपको कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए वैसे मैंने आपको वीडियो में अच्छे से बताया डिटेल में, लेकिन अभी भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा जो हमने स्प्रे गन दिखाई थी वैसे उससे आप पहले उससे आपको उनको हटा देना है, उसके बाद उसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। नंबर 6, सकुलेंट केयर। अगर आप भी सकुलेंट के दीवाने हैं लेकिन आपके सकुलेंट जो है वो खराब हो जाते हैं खासकर गर्मियों में आके, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जिससे कि आपके सकुलेंट खराब ना हो। सबसे पहले आप जब भी कोई सकुलेंट लेते हैं तो उसके बारे में पहले पता कीजिए कि ये पौधा बाहर रखने लायक है या अंदर रखने वाला है, यानी कि आउटडोर है या इंडोर है। और बहुत से पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि वैसे तो आप बाहर रख सकते हैं बाकी टाइम पे, लेकिन जब तेज हीट वाली गर्मी शुरू होती है तो उनको भी आपको ऐसी जगह पे थोड़ा ठंडक वाली जगह पे लाना होता है, या जो ग्रीन नेट है उसके शेड में आपको रखना होता है, अदरवाइज क्या तेज हीट में वो भी खराब होने लगते हैं। कैक्टस के कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको आप फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं, लेकिन सकुलेंट में बहुत कम ऐसे पौधे होते हैं जो को आप बाहर रख सकते हैं। जेड प्लांट है उसको आप बाहर रख सकते हैं, जो स्टिंग ऑफ बनाना है उसको बाहर रख सकते हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो तेज हीट में भी सर्वाइव कर जाते हैं लेकिन सभी नहीं होते, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। एक चीज का और आपको ध्यान रखना होगा सकुलेंट के अंदर, कि सकुलेंट में सभी ये सोचते हैं कि पानी नहीं देना होता, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपको मौसम के हिसाब से देखना होता है। जब तेज हीट वाली गर्मी होती है तो इस पौधे को भी जो है पानी की जरूरत होती है, तो उस टाइम पे आप इनको पानी अगर नहीं देंगे तो इसके पत्ते जो है वो पतले हो जाएंगे, सिकुड़ने लगेंगे, तो आपको क्या इनको पानी जो है वो देना होगा। इस टॉपिक पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ और इस बार भी जब गर्मी अच्छे से स्टार्ट होगी तब मैं अच्छे से आपको दोबारा से बता दूंगा डिटेल में। नंबर 7, सीड्स। अगर आपने फरवरी में सीड्स लगा दिए थे तो काफ़ी अच्छी बात है, आपके सीड्स ग्रो कर गए होंगे, लेकिन उस टाइम पे आप नहीं लगा पाए थे किसी कारणवश, तो आपके पास अभी भी मौका है, आप अभी भी जो है गर्मियों में उगने वाली सब्जियां या फूलों के बीज जो है लगा सकते हैं। आप अपने नज़दीक के किसी स्टोर पर इनके बीज का पता कीजिए, अगर मिल जाते हैं तो वहाँ से लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर इनके सीड्स ना मिले तो इस बार हमने ऑनलाइन स्टोर शुरू कर दिया है और आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से ही जो है सब्जियों के और फूलों के बीज ले सकते हैं। हमने प्राइस भी ज़्यादा रखा है, 10-20 रुपए के लगभग आपको जो है फूलों के या सब्जियों के जो बीज है वो मिल जाएंगे। ऐसा मैंने इसलिए किया है कि आपको जो है सभी तरह की वैरायटी जो है लगाने को मिले, यानी कि आपके गार्डन में सारी चीजें हो। ममल बॉन्साई नाम से ही आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और आपको स्टोर पर कुछ समझना है तो वहां पे मैंने व्हाट्सएप चैट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो वहां पे आप चैट कर भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ काम है जो हमें अभी कर लेने चाहिए अपने गार्डन में, बाकी मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूंगा क्या करना चाहिए गार्डन में, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए तभी आपको जो है नई नई अपडेट जो है वो मिलती रहेगी। इस बार आपने कौन सी सब्जियां लगाई है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।